जैन फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति आज पॉल्यूशन एम सी क्यूज चम इे प्रिभिया भिडिओ आम डिटेल भिडिओ चालू डिस्कस करूँ पॉइंट्स आज तेरे एम सी क्यू चम दिस विल बी आवर लास्ट एम सी क्यू अफ केमिस्ट्री देट इज क्लास लास्ट क्लास अफ द अफ आवर सब्जेक्ट केमिस्ट्री एंड आफ्टर दैट विल बी स्टार्टिंग बायोलॉजी टॉपिक इन द सेम टाइम ओके दैट इज एट 10 AM ओके तेतलैक नेक्स्ट आरम्भि करूँ आज फर्स्ट क्वेश्चन सी एफ सी फुल फॉर्म तो कि है क्लोरो फ्लोरो कार्बन कार्बन फ्लोरो रो कार्बन कार्बन फ्लोरो कार्बन एंड कार्बन फ्लोरो क्लोरो द राइट आंसर इज क्लोरो फ्लोरो कार्बन कार्बन सी एफ सी तो आम फ्रिज यूज कर ए सी यूज कर ठीक है गति के सी एफ सी यूज कर ठीक है नेक्स्ट रीजन फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट कारण तार कारण तो कि है आम सेज गृह तो आसे तार प्रभाव तो कारण तो कि है डिक्रीजिंग क्वांटिटी अफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इनक्रीजिंग क्वांटिटी अफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर डिक्रीजिंग क्वांटिटी अफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इनक्रीजिंग क्वांटिटी अफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर राइट आंसर इज इनक्रीजिंग क्वांटिटी अफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर जदि चुना ना इंटर भिडिओस मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करूँ जी इतने मैं कह आसो गोटेखी मैं क्लास कह दी इंटर प्रिभियास भिडिओत तक चाय लो जो चुना ना ओके कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़िले कि है ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाए द गैस डिप्लीटिंग ओजोन लेयर इज ओजोन लेयर तो जो आम बेसि बाढ़ी आसो कारण कौन गैस मैं रिस्पन्सिबल है नाइट्रोजेन ऑक्सीजन सी एफ सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड राइट आंसर इज सी एफ सी दैट इज क्लोरो फ्लोरो कार्बन आम रेफ्रिजरेटर पर ए सी जी गैस तो लाइन तो सी एफ सी और सी एफ सी आम ओजोन लेयर कारण मैं नष्ट कर ओजोन लेयर तो ठीक है सो सी एफ सी तो आम कमको यूज करा तार कारण बहुत चेस्ा कर गवर्नमेंटे ठीक है नेक्स्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस तो कौन है कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन सी एफ सी ऑल ऑफ दिस राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस इतने कि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट आम सब गैस से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम मिथेन गैस हम सी एफ सी हम ठीक है नाइट्रस ऑक्साइडो हम ओके नेक्स्ट बैटर फ्यूल तो यार कौन है पेट्रोल डीजल कोल सी एन जी राइट आंसर इज सी एन जी सी एन जी तो बेसि भल फ्यूल है इतने नॉइज तो कम ऊपर एक प्रदूषित कम कर ओके The following gas is not an air pollutant. Air pollutant, air pollutant, no hai. Not bully with this. Carbon dioxide, nitrogen oxide, sulfur dioxide, oxygen. But the nitrogen dioxide or sulfur dioxide already ma koi suitu bostu bhot na onisto kore amar prithibi to or biomandal to aritro karne acid rain bully hoy. Acid rain hoy. Jai karne nitric acid or sulfuric acid formation hoy. गति के ये दूटा तो अनिष्ट है आम वायुमंडल कारण कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्टर कारण प्रब्लेम कर सो ऑक्सीजन विल बी द राइट आंसर सो ऑक्सीजन इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट फॉलोइंग गैस फॉर्म्स एसिड रेन मात्र कैसी कौन एसिड रेन काम कौन गैस कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड राइट आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग आम एसिड रेन है मात्र कैसी तेज़ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजेन डाइऑक्साइड काम कर ठीक है दूटा गैस गति के अपशन सल्फर डाइऑक्साइड आए गए सल्फर डाइऑक्साइड दी लगे ठीक है सो गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन इज सल्फर डाइऑक्साइड नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉल्यूटेंट अनलेस प्रेजेंट इन एक्सेस तो कौन तो यार पॉल्यूटेंट नहय नॉट बुली दिसे नहय किंतु सब लगे जैसे बस्तु एक्सेस ना थके पॉल्यूटेंट नहय ओके कि हम आम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड अलग माने मात्रा थाकिले तो ठीक है आम वायुमंडल कारण ओके किंतु जदि तो मात्रा तो बाढ़ी जाए तेनेहले आम जी थका तो टान हो जाए ओके आम गसनीबूर और लगभग लगे जाते गसनीबूर कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लय गैस तो विच द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस यार कौन तो ग्रीन हाउस गैस नहय कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड मिथेन नाइट्रोजेन नहय बुली सुधिसे एटु साब मन करिब राइट आंसर इज नाइट्रोजेन ठीक है आम कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रीन हाउस गैस है सल्फर डाइऑक्साइड है मिथेन है ओके नाइट्रस ऑक्साइड है ठीक है नाइट्रोजेन तो नहीं नाइट्रस ऑक्साइड तो आम ग्रीन हाउस गैस है नाइट्रस ऑक्साइड कितना नाइट्रोजेन तो नहीं ओके ये एक मैटर हो गल नेक्स्ट एडिशन अफ हार्मफुल एंड पॉइजनस सब्सटेंस इन आवर एनवायरमेंट इज कॉल्ड जितना आम एनवायरमेंट पॉइजनस विषाक्त बस्तु जो एड करी क्या है पॉपुलेशन पॉल्यूशन प्यूरिफिकेशन नन अफ दिस राइट आंसर इज पॉल्यूशन नदी क्या अदरकारी बस्तु जो आम जुग कर एनवायरमेंट तेनालीरू प्रदूषण भी क्या है ओके नेक्स्ट ए पॉइजनस गैस एमिटेड बाय मथुरा रिफाइनरी एंड अदर इंडस्ट्रीज इन एंड अराउंड ताज
which cause acid rain is what? Carbon monoxide, methane, sulfur dioxide, oxygen. So our Mathura refinery eta gas ulai ase jitu ekbare bikhakto hoy. Okay, tha manuh bilaki mori jabo enuka bikhakto hoy gotike tar kane taash tu ki hoyse acid rain formation hoyse tar kane taash tu onnosto hoyse dekha tare marble bilaki hoyse upor bairor pora corrosion hoye geche ba bostu tu bhangi jayse. Okay, তাশু নষ্ট করি আছে গতিকে এটু কি রেন কি এটু গ্যাস হব আমি জানো এসিড রেনত কি থাকে এসিড রেনত আমার দুটা এসিড আছে এটা আছে নাইট্রিক এসিড আর এটা আছে সালফিউরিক এসিড ঠিক আছে তো ইয়াতে নাইট্রেন নাইট্রোজেন টু টু কোয়াই নাই এতে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড বলে দিয়া নাই গতিকে আনসারটো কি হব সালফার ডাইঅক্সাইড ওকে তো রাইট আনসার ইজ সালফার ডাইঅক্সাইড ওকে নেক্সট তাজমহল ইজ বিং এফেক্টেড ডিউ টু তাজমহলটো কিহৰ কাৰণে বহুত এফেক্ট হৈ আছে এয়াৰ পলিউশ্যন ৱাটাৰ পলিউশ্যন নইজ পলিউশ্যন নন অফ দিছ এণ্ড এজ বি নো দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ এয়াৰ পলিউশ্যন এচিড ৰেইনৰ কাৰণে আমাৰ বায়ুমণ্ডলটো প্ৰদূষিত হৈছে গতিকে এয়াৰ পলিউশ্যনৰ কাৰণে তাজমহলটো বহুত এফেক্ট হৈ আছে অ'কে নেক্সট পৰ্টেবল ৱাটাৰ ইজ দ্য ওৱান দেট ইজ পৰ্টেবল পানী কাক কোৱা হয় আমি যে পানী খাওঁ তাক আমি খোৱা পানী বুলি অসমীয়াত ক'লেতো ডাইৰেক্টলি গম পাই যাম কিন্তু ইংৰাজীত ক'লে পৰ্টেবল পানীবিলাক আমি অলপ কনফিউজ হৈ যাওঁ বাট ইট ইজ নাথিং ইট ইজ দ্য ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ অ'কে So it is kept in a pot, it is fit to drink, not fit to drink, none of this. And right answer is fit to drink. Itu pani khua, karne bhal hoy, he karne itu potable water hoy. Thik ase? Now corrosion of marble is also called. Corrosion of marbles, ei matro kolu je tarjor, je marbles bilak ase, he bilak corrode hoye ase, bhangi jaye ase. So tare marble to ki buli koa hai? Marble erosion, marble cancer, marble disorder, marble disease. যদি ভিডিওখন চোৱা নাই তাতে চাই ল'ব তাতে মই ইয়াৰে বিষয়ে কৈছিলোঁ এণ্ড ৰাইট আনচাৰ ইজ মাৰ্বল কেঞ্চাৰ অ'কে মাৰ্বলবিলাক যে নষ্ট হৈ আছে তাক কি বুলি কোৱা হয় মাৰ্বল কেঞ্চাৰ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ স্মগ ইজ মেড আপ অফ স্মগটো কেনেকৈ বনোৱা হয় স্মগ এণ্ড অক্সিজেন সালফাৰ ডাইঅক্সাইড এণ্ড ফগ স্মগ এণ্ড ফগ নন অফ দিছ এণ্ড ৰাইট আনচাৰ ইজ সালফাৰ স্মগ এণ্ড ফগ তো ইয়াতে আমাৰ এইটো কি হ'ব স্মগ এণ্ড ফগ দিছে ঠিক আছে কিন্তু এইটো স্মগ নহয় এইটো স্মগ হ'ব ঠিক আছে এছ এম অ' কে ইজ স্মগ ধোঁৱা আৰু ফগ ঠিক আছে কুঁৱলি এই দুটা মিক্স কৰি পেলাই কি হয় আমাৰ স্মগ হয় তাৰ মানে ইয়াৰে এছ এম আৰু ইয়াৰে অ' জি দুটা লগ লাগি পেলাই কি হৈছে স্মগ হৈছে চ' স্মগ ইজ মেড আপ অফ হোৱাট স্মগ এছ এম অ' কে ইজ স্মগ এণ্ড ফগ অ'কে ডোণ্ট ফৰগেট স্মগটো আমাৰ দুটা শব্দৰ পৰা বনোৱা হৈছে স্মগ আৰু ফগ ঠিক আছে নেক্সট টাইপিং অফ আনএস্কেপেবল ৰেডিয়েশ্যন অফ ছান ইন আৰ্থ এনভাইৰনমেণ্ট ইজ কল্ড চ' আমি যিমান বস্তু এস্কেপ মানে কি বস্তুটো ওলাই যায় নহয় ধুনীয়াকৈ যোনটো বস্তু ওলাব নোৱাৰি বিকিৰণ দ্বাৰা সেইটো যদি আমি ধৰি ৰাখোঁ পৃথিৱীৰ এনভাইৰনমেণ্টত তেনেহ'লে এইটো কি বুলি কোৱা হয় আৰ্থ ৱাৰ্মিং গ্ৰীণ হাউচ ৱাৰ্মিং গ্ৰীণ হাউচ ইফেক্ট নন অফ দিছ ৰাইট আনচাৰ ইজ গ্ৰীণ হাউচ ইফেক্ট আমাৰ গ্ৰীণ হাউচ ইফেক্টটো কি হয় পৃথিৱী সূৰ্যৰ পৰা যে বিকিৰণ আমাৰ যি আহি আছে তাক ধৰি ৰখাটো কি বুলি কয় গ্ৰীণ হাউচ ইফেক্ট বুলি কয় আৰু যদি সেই বস্তুটো যদি লাগাতকৈ বেছি হৈ যায় তেনেহ'লে কি হ'ব গোটেই উদ্ভিদবিলাক গৰম হৈ যাব অ'কে আৰু একচুৱেলি গ্ৰীণ হাউচ ইফেক্টটো উদ্ভিদ গৰম কৰিবৰ কাৰণে ৰখা হয় সূৰ্যৰ যে তাপটো আহে তাকে ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি যাতে উদ্ভিদে অলপ গৰমটো পাব ঠিক আছে আৰু সেই গৰমটো পোৱাৰ কাৰণে গ্ৰীণ হাউচ ইফেক্টটো গ্ৰীণ হাউচটো ৰখা হয় হা কিন্তু যেতিয়া ইয়াৰে বিকিৰণটো বহুত বেছি হৈ যায় হা বহুত বেছি তাৰে যদি আমি ট্ৰেপ কৰি পেলাই যদি ৰখা হয় তাৰে তাপৰ পৰা বহুত কেইটামান ইউভি ৰেজ তেনেহ'লে এইটোৱে কি কৰে গ্ৰীণ হাউচ এফেক্ট কৰে আমাৰ পৃথিৱী উল্টা আৰু নষ্টই কৰি দিয়ে ঠিক আছে ভূপাল ট্ৰেজেডি ৱাজ কজ ডিউ টু ভূপাল ট্ৰেজেডি কিহৰ কাৰণে হৈছিল এয়াৰ পলিউশ্যন লিকেজ অফ পয়জনাছ গেছ ৱাটাৰ পলিউশ্যন নইজ পলিউশ্যন ৰাইট আনচাৰ ইজ লিকেজ অফ পয়জনাছ গেছ ইয়াতে আমাৰ পয়জনাছ গেছ ওলাইছিল তাৰ কাৰণে ভূপাল গেছ ট্ৰেজেডি হৈছিল ঠিক আছে তো ইয়াতে যে আমাৰ ভূপাল গেছ ট্ৰেজেডি হৈছিল এইটো কোনটো গেছৰ কাৰণে হৈছিল এইটো বস্তু জানি থৈ লওক যদি নাজানে এনেই জানিব মই জানো তথাপিও মই দি আছোঁ এইটো আমাৰ কি আছে গেছটো মিথাইল আইচচাইনাইড গেছ ঠিক আছে মিথাইল আইচচাইনাইড গেছ হয় যোনটো আমাৰ কি হৈছিল একেবাৰে লিক হৈছিল আৰু তাৰ কাৰণে কি হৈছিল ভূপাল গেছ ট্ৰেজেডি হৈছিল অ'কে বহুত মানুহ মৰিছিল ইয়াতে নেক্সট ডিজ ইজ কজ ডিউ টু কণ্টামিনেশ্যন অফ ৱাটাৰ পানী যদি লেতেৰা হৈ যায় দূষিত হয় তেনেহ'লে কোনটো বেমাৰৰ সৃষ্টি হ'ব কলেৰা লাং কেঞ্চাৰ ৰেবিজ পলিঅ' ৰাইট আনচাৰ ইজ কলেৰা কলেৰা টাইফয়ড এইবিলাক কি হ'ব পানীৰ কাৰণে বেমাৰ হয় ঠিক আছে যদি পানীত প্ৰদূষিত হৈ থাকে তেনেহ'লে কলেৰা অ'কে এইবিলাক বেমাৰ আহি যায় হা নেক্সট এয়াৰ পলিউশ্যন কজ যদি আমাৰ বায়ুটো প্ৰদূষিত হয় তেনেহ'লে কি হ'ব ৰেস্পিৰেটৰী ডিজিজ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বোথ এ এণ্ড বি নন অফ দিছ ৰাইট আনচাৰ ইজ বোথ বি এণ্ড চি আমাৰ ৰেস্পিৰেটৰী প্ৰব্লেমটো আহিবই উশাহ নিশাহ লওঁতে লগতে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙো হ'ব ঠিক আছে
इनकम्प्लीट बार्निंग अफ फुएल्स कम प्रड्यूसेस जदि फुएल टू इंधन जो पूरा धुनिया के जरूरी ना जाए ओके असम्पूर्ण रूपे जो थे तेनाली कि प्रड्यूस है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन पार्टिकल्स कार्बन मनोक्साइड नान अफ दिस राइट आंसर इज कार्बन मनोक्साइड ओके फुएल टू आधा ज्ले आम ऊल्ए कार्बन मनोक्साइड गैस ऊल्ए ठीक है। नेक्स्ट कार्बन मनोक्साइड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैरिंग ब्लड कैपेसिटी टू अ ब्लड रिड्यूसेज द ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इनक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड नन अफ दिस जो कार्बन डाइऑक्साइड टू बाढ़ी जाए तेहले आम प्रब्लेम एराइज हम और ये कि रिड्यूसेज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड ओके कार्बन मनोक्साइड जो आम पृथ्वी मैं वायुमंडल जो बाढ़ी जाए तेहले ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आम ब्लाडर है सीट कमाय दी ओके। नेक्स्ट ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ओजोन लेयर आम दिए आम रक्षा कर अल्ट्रावायलेट रेज अल्ट्रावायलेट रेज व्हाइट लाइट ऑफ सन नन ऑफ दिस राइट आंसर इज यूवी रेज ना ओजोन लेयर आम यूवी रेज पर रक्षा कर। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन लीड्स टू एन इनक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एयर तो जो आम गस गसनबूर काटि दूँ बन ध्वस ना जो करूँ तेहले आम वायुमंडल बताह कि थी जा बेसिके कार्बन मनोक्साइड कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड जो गस गसनी काटि दूँ आम कार्बन डाइऑक्साइड माथा तो बाढ़ जाने तारे कारण ग्लोबल वार्मिंग हम तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसे एक्चुअली उद्भिद बिल्कुल ग्रहण कर जो उद्भिद ना थे तेहले वायुमंडल कि थको मात्र कार्बन डाइऑक्साइड थक मैंने सब जगह कार्बन डाइऑक्साइड थक गए मानुबा जी थको ओके। नेक्स्ट गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमा ब्लैसियस स्टार्टेड मेल्टिंग बिकॉज ऑफ व्हाट गंगोत्री ग्लेशियर जो है आम बस्तु गलि हाँ बरफ तो किहर कारण मोर रेन लेस स्नो ग्लोबल वार्मिंग नन ऑफ दिस राइट आंसर इज ग्लोबल वार्मिंग गति के ग्लोबल वार्मिंग गरम टेम्परेचर तो पृथ्वी गलि ठीक है। नेक्स्ट इनस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स वी कैन यूज व्हाट सोलर एनर्जी हाइड्रोपावर एनर्जी विंड एनर्जी ऑल ऑफ दिस फॉसिल फॉसिल फ्यूल जगत आम बस्तु यूज कर लगे राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस सोलर एनर्जी सूर्य शक्ति हाइड्रोपावर दैट इज जल विद्युत ना विंड एनर्जी विंड एनर्जी आने ऑल ऑफ दिस गति के ऑल ऑफ दिस हम गोटेखी आम यूज लगे जाते एयर पल्यूशन तो कमको हम ठीक है। गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन केतिया उलाइसिल आमार गंगा एक्शन प्लान 1985 86 95 58 राइट आन्सर इज 1985 वाज आमार गंगा एक्शन प्लान टू लॉन्च करा हैसिल ओके। वाटर पल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय वाटर पल्यूशन टू आमार किहर कारणे होय वेहिकुलर फ्यूम्स डिस्चार्जिंग टॉक्सिक केमिकल वेस्टेज इन टू द रिवर नेक्स्ट वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स इन द रिवर नन ऑफ दिस राइट आन्सर इज डिस्चार्जिंग ऑफ टॉक्सिक केमिकल वेस्टेज इन टू द रिवर पानी जो प्रदूषित हो जाए एक्चुअली आमार नदीत सब लैतरा बस्तु डायरेक्टली पेल दिया गया पानी तो प्रदूषित हो। नेक्स्ट केमिकल मेथड यूज फॉर प्यूरिफाइंग वाटर पानी तो साफा करें केमिकल मेथड कौन तो आसे रासायनिक बॉइलिंग फिल्टर यूजिंग फिल्टर क्लोरिनेशन ऑल ऑफ दिस राइट आंसर इज क्लोरिनेशन केमिकल मेथड तो आम जस्ट क्लोरिनेशन हम क्लोरिन टैबलेट क्लोरिन टैबलेट एड कर दिले आम पानी तो साफा करा है ओके। नेक्स्ट पार्टिकुलेट मैटर इज द व्हाट मॉइस्चर इन एयर सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर सॉलिड पार्टिकल्स इन सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स इन वाटर राइट आंसर इज सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर तो पार्टिकुलेट मैटर आम है एक्चुअली द बताह जी सॉलिड पार्टिकल्स आसे तक कौन पार्टिकुलेट मैटर भी कौन ओके। नेक्स्ट एपिडेमिक सच एज टाइफॉइड एंड जॉन्डिस आर कॉज्ड बाय टाइफॉइड जॉन्डिस तो किहर कारण है मेटल्स टॉक्सिक केमिकल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसॉल्व सॉल्ट्स राइट आंसर इज टॉक्सिक केमिकल्स टाइफॉइड जॉन्डिस किहर कारण टॉक्सिक केमिकल्सर कारण ठीक है। पानी जिमान बाढ़ी आसमें टाइफॉइड जॉन्डिस बस्तु तो बेमार तो बाढ़ी आसे ठीक है। तो दिस वाज आवर टुडेज लास्ट क्वेश्चन आशा करिछो आपनलोके बस्तु तो बुझी पाइछे आरो भाल पाइछे ओके जदि भाल लागिछे चैनल सब्सक्राइब करिबो थैंक यू फॉर वाचिंग जय हिंद।